11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के साथ भारत को गंभीरता से परिणामों पर विचार करने की जरूरत है, खासकर तालिबान के उस देश पर शासन करने के लिए। यह निश्चित रूप से तभी होगा जब वे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अफगान सरकार की सेना को सैन्य रूप से हरा देंगे। वही सवाल उठता है कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इस देश के लिए इसका क्या मतलब होगा। सैन्य रूप से अफगान राष्ट्रीय सेना, अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों की जमीनी युद्ध शाखा, रेगिस्तान की गंभीर समस्याओं और भर्ती होने की अनिच्छकता के बावजूद तालिबान और अन्य आतंकवादियों का सामना करने में सक्षम एक युद्ध कठोर बल बन गई है। इसकी कमांडो इकाइयां और विशेष बल रूप से प्रभावशाली रहे हैं। इसके अलावा 80-90% हवाई सहायता, जिसने तालिबान के खिलाफ ANA के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जब नवेली अफगान वायुसेना द्वारा प्रदान की जाती है। तालिबान ने निसंदेह ग्रामीण इलाकों और कुछ शहरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इसके अलावा सरकारी सैनिकों को कई गंभीर पराजय भी दी है, लेकिन 2020 की शुरुआत में कम से कम कुछ हार परिचालन बाधाओं के कारण हुई, जैसे कि रक्षात्मक पर जाना। तालिबान के साथ शांति वार्ता के हित में ट्रंप प्रशासन ने उन पर थोपा था। इसने अफगान सरकार को वार्ता के लिए पूर्व शर्त के रूप में अफगान सीलों से अपने 5,000 लड़ाकों को रिहा करने की तालिबान की मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तालिबान के वादे के विपरीत होने के बावजूद इनमें से कई लड़ाकों ने फिर से हथियार उठा लिए हैं।